तालिब इल्म पूरी जिंदगी उन्होंने एजुकेशन के लिए और लिटरेसी के लिए काम किया, खिदमत के लिए, उम्मत की खिदमत के लिए। इसलिए कि अगर कोई टीचर मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आया, कोई भी टीचर हो, किसी भी शोबे का टीचर हो, 3 दिन हो, 10 दिन हो, महीना साल भर है, उससे मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेता। लेकिन अपने को टीचर्स को पढ़ाना आना चाहिए। कितने लोगों ने 3 जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बात करता है, क्या कैरेक्टर बात करता है कि अगर उसको एक स्कूल से कॉलेज से बाहर निकाला तो ज्ञान बढ़ता है। एक कॉलेज में नहीं, मेरे एक क्लास में तो दूसरे क्लास में ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान बांटने की चीज है, आपको जहां मिले वहां से ले लो, और हमारा काम ही हम उसको बदलो। और इंटरनेट का जमाना है, कौन सा जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, बहुत नॉलेज है। और हमारे नबी ने क्या सिखाया आपको, बोलो हमारे नबी ने क्या सिखाया? हमारे नबी ने जमजम के पानी पीने के बाद एक दुआ सिखाई, क्या दुआ? अरे बोलो, हमारे नबी ने जमजम के पानी पीने के बाद एक दुआ सिखाई, मौलाना में बैठे, क्या दुआ सिखाई? हम जमजम का पानी क्यों पीते? अब देखो जमजम का पानी कोई हाजी आदमी क्या करता है, आंख पे लगाता है, बॉडी पे लगाता है। लेकिन दुआ क्या है? दुआ ये है, अल्लाह मन यसल का इल्मन नाफ, नफे वाला ही, फिर रिस्क है, फिर शिफा है। लेकिन हम इल्म भी भूल गए, रिस्क भी भूल गए, डायरेक्ट क्या की बात करते हैं, शिफा की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हाफ नॉलेज डेंजरस है। तो इल्म के बारे में सबसे ज्यादा बताने वाले हमारे नबी है, बदर के कैदियों को छोड़ने वाले हमारे नबी है। ये कहा कि अगर साहबा को लिखना पढ़ना सिखा तो मैं छोड़ दूंगा। सबसे पहली कुरान में आयत उतरी नाम वो कौन सा है? इकरा। और इकरा का मतलब क्या? रीड। सबसे पहली आयत उतरी, उसमें 19 आयत थे, और कुरान के अंदर 19 और 7 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट और बाकी चीजों में नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे अपना बच्चा डॉक्टर भी हो सकता, इंजीनियर भी हो सकता, मिलिट्री में भी जा सकता, डिफेंस में भी जा सकता, गवर्नमेंट जॉब भी जा सकता, और स्कूल जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। मैं नो स्कूलिंग और होम स्कूलिंग की बात करता हूँ, वो सारी चीज आप कर सकते। आपका बच्चा अगर एनडीए के लिए पढ़ता है, अगर वो किसी वजह से ऑफिसर नहीं बना तो पक्का इंशाल्लाह आईपीएस और आईएएस ऑफिसर हो सकता है। विक्रांत सहदेव सीता मौर्य जो आज मुंबई औरंगाबाद का कमिश्नर है, वो मेरा स्टूडेंट है। कस्टम्स में बॉम्बे में आज एक्साइज कमिश्नर है, औचर करके नामदेव से, वो मेरा स्टूडेंट है। महेश हल्लाले मेजर है, वो बच्चा आदिवासी इलाके से आता है, आपका वो बच्चा आता है तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो मैं उतरता हूँ तो मेरे को ओपन सीट में लेके जाता है, तो मेजर है। तो हर बच्चा हर चीज कर सकता है आज के जमाने में, अगर आप इसको फॉलो करें। ये हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमको रेट किया है, हम लोग पूरे इंडिया में सबसे अच्छा अकेडमी है, डिफेंस अकेडमी है। हमारे अकेडमी से 33 साल में 650 बच्चे हिंदुस्तान के आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर है। मैं भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या है वो? ऑफिसर, 650 बच्चे 33 साल। और ये सारे एग्जाम हम लोग कंडक्ट करते हैं। कितने लोग नवोदय को जाते हैं? नवोदय, नवोदय किधर है हमारा? पूना का नवोदय किधर है? कोई बताएगा पूना का नवोदय किधर है? चलो आपके नजदीक है अहमदनगर का नवोदय किधर है? काकड़ी, नवोदय स्कूल। सर आमच्या मुलांना नवोदय माहितच नाही। नवोदय मध्ये एका मुलाला टाकलं ना तर 72,000 रुपये गव्हर्नमेंट पासून भेटतो तुम्हाला, स्थापनाचे पैसे पण द्यायची गरज। आणि 7 वर्षात म्हणजे किती झाले? 5 लाख। म्हणजे एका मुलाला जर अगर नवोदय मध्ये टाकलं आपण, एका मुलाला किती गिफ्ट दिलं आपण? 5 लाख रुपये गिफ्ट दिले जाते। पण कम्युनिटी मध्ये नवोदय माहितच नाही। पुन्हा का नवोदय किती रुपये बघा सकता, गुगल करो। अहमदनगर का नवोदय आपके बाजू में, कितने लोग टाकली डोंगरेश्वर मालूम है? मालूम है कितने लोग हाथों पर टाकली डोंगरेश्वर मालूम है? ज्यादा दूर नहीं आपके यहाँ से। तो टाकली डोंगरेश्वर में नवोदय है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय होता है, नवोदय का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। हर मस्जिद में, गिरजाघर में, मंदिर में, गुरुद्वारा में मैं जाके बात करता हूँ। और अगर कोई बच्चा को नवोदय का ट्रेनिंग दे रहे आप, झोपड़पट्टी में हो, मस्जिद में हो, किधर भी, हमारी मस्जिद में जुमा के अंदर भर्ती है, बाकी वो खाली रहती थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर, वहां पे सारे कम्युनिटी के बच्चे, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको आप नवोदय का कोचिंग सिखाओ। नवोदय इसलिए कि वो मराठी मीडियम भी हो सकता है, उर्दू मीडियम भी हो सकता है, 20 लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का बच्चा हो। 5वीं के बच्चे को पढ़ाने के लिए रॉकेट साइंस आने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अगर आपने पढ़ाया, वो टीचर को पढ़ाना नहीं आता, उस टीचर का पगार भी हम देंगे, टीचर का ट्रेनिंग भी हम कराएंगे, सेंटर में बोर्ड भी देंगे, और हम चाहते हैं कि नवोदय का ट्रेनिंग चुनना में हो। ये बहुउद्देश्य जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उम्मत की खिदमत में, तो उम्मत की खिदमत में कायमत तक आने वाला आखिरी इंसान वो उम्मत का ही है। उसको सबसे पहले एजुकेशन मिलेगा तो सोचने का ढंग आएगा, उसको एजुकेशन हम देंगे हमारे मस्जिद से,
हमारे रिलीजियस प्रेजेंस हम उसको क्या करेंगे, एजुकेशन नहीं। जैसे अभी बोला ना हमको आपके सर ने डैफोडिल्स का पोयम सुनाया, उन्होंने क्या बोला, मेरे सेवेंथ स्टैंडर्ड में मेरा उस्ताद कौन था, पठान सर। तो ऐसा हमारे अंदर कि मेरे को मस्जिद वालों ने, मेरे को उम्मत की खिदमत के प्रेस वाले ने हमको पढ़ा, हमको आगे ले गया, बात ही खत्म हो जाती है। मेरा मकसद क्या मानू, मेरा मकसद मैं जब तक क्लास लेने का मेरा इरादा है, जब 26/11 में वो जो कसब का जो मसला है, कितने लोगों का कसब का मसला है, 26/11 है ना, वो होटल ताज में जाके मारामारी हुई, तो वहां पे मेजर उन्नी क्रिश्चियन करके एक आदमी है मेरे गांव का, केरला का, कितने लोगों ने उसका नाम सुना, हाँ मेजर उन्नी क्रिश्चियन ने शहीद हो गया, उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए। मैं ये चाहता हूँ जिस दिन मैं सक्सेसफुल हुआ, मैं काजी साहब को वो हमेशा ही बोलता हूँ, मेरे आने का मकसद भी वही है, मेरा मिशन और मिशन, एक मुसलमान बच्चा मैं वो मेजर उन्नी क्रिश्चियन के जगह पर देखा और वो ऑफिसर बने और वो हिंदुस्तान के लिए अपना जान दे, बात ही खत्म हो जाती, सारा सारा खेल खत्म हो जाता। आप बात समझ में आ रहा, और शहीद का दर्जा क्या किसी भी मुफ्ती साहब वाले लोग, वो उसका खून का कतरा जमीन से गिरने से पहले उसकी माफी है। हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में कम्युनिटी ने बहुत किया है, बेशमीर उमर तरीक चला है, वो ठीक है चला है, अभी क्या कर रहे हैं, हमने अभी क्या किया, हिंदुस्तान के आजादी के टाइम 46% था इंडिया के नेवी आर्मी और एयरफोर्स में, अभी हमारा 2% भी नहीं है। तो अगर हम अपने हिंदुस्तान की आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम क्या बात करेंगे और हम क्या मुंह दिखाएंगे। इसके लिए हमको इसके अवेयरनेस आना चाहिए, उसकी शुरुआत जो है ना वो नवोदय से, और नवोदय में गरीब बच्चा जा सकता है, उसको हम 5 लाख रुपए डोनेशन दे रहे थे। मुझे अभी गुलाब से गाजी साहब मुझे दिखा रहे थे कि फाउंडेशन से लोगों को बात जा रहे हैं, तो मैं ये उनको ये कह रहा हूँ, जो सर ने जो इंग्लिश का पोएम पढ़ा ना, वो डैफोडिल्स पोएम पढ़ा और उसके अंदर एक वर्ड है, क्या दसवां वर्ड उसमें, मिबियड एम वाई, देखो लिखो लिखो उसको ये वर्ड लिखो, उसके अंदर डैफोडिल्स पोएम विलियम वर्डवर्थ को उन्होंने पढ़ा, उसके अंदर एक वर्ड है मिबियड MYRIAD, ये वर्ड का मतलब समझो, ये हमारा जो बैठा है ना वो कबूल हो गया, सिर्फ ये वर्ड का मतलब समझो। मिलियन मतलब क्या, रेखता करके साइट है उर्दू का, उसमें देख लो अगर आपको नहीं आता तो, एलन मस्क, इन्होंने स्टीव जॉब्स की बात की सर्वर से, एलन मस्क कितने लोग जानते हैं, एलन मस्क को एक आदमी, अगर हम लोग हमारे कम्युनिटी के लोग अगर एलन मस्क को नहीं जानते तो हम बहुत पीछे है। एलन मस्क अपने दुनिया का सबसे रईस आदमी है, हम बिल गेट्स को समझते हैं, वो बोलता है कि बहुत इंटरेस्ट बनो, मल्टीपल इंटेलिजेंस पे आओ, 50 बिलियन रुपीस उसका क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो गया, उसके उसके बावजूद भी आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और एलन मस्क अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, स्कूल का नाम कोई बताएगा, मेरे तरफ से 500 क्रिप्टो कोर्स, एलन मस्क अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजता है, अगर किसी ने मेरे को बताया तो मैं उसको 500 भेज दूं, बता सकते हैं नाम, एलन मस्क अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है, उसका नाम है एड एस्ट्रा, वहां पे वो म्यूजिक नहीं सिखाता, इसलिए उसको बोला कि म्यूजिक खुद सीख लेता, वहां पे लैंग्वेज नहीं सिखाता, क्योंकि रियल टाइम सॉल्यूशन है। अब तुमने देखा ना पार्लियामेंट में आजकल कान भी लगा के बैठते हैं, अगर मैंने मलयालम में बात किया तो आप मराठी समझ सकते हो, तो फिर वो ऐसा क्या सिखाता, उसके 5 बच्चे, उसके 5 बच्चों में वो ऐसा क्या सिखाता बच्चों को, उसके ऊपर आप लोग सोचो। उसके बाद कभी बाद में फुर्सत में बात करूंगा, भजवा वो लेवल का नहीं है, बच्चों को मैं सबसे पहली बात करा नवोदय, सब लोग बोलो नवोदय, जोर से बोलो, कितने लोग अपने बच्चों को नवोदय में डालेंगे, 5वीं में 6वीं में एंट्री होता है, 9वीं में एंट्री होता है, 11वीं में एंट्री होता है, कितने लोग नवोदय के बारे में सबको बताएंगे, जरा हाथ ऊपर करो, पूरा हाथ ऊपर करो, पूरा मेरी मस्तराज भी जितने भी है ना, हाँ मैंने भी हाथ ऊपर करो, अपने बाजू वालों को, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी, हमारा काम है कुरान कहता है दिवस गए, हम दूसरे को ज्ञान देंगे ना तो हमारा फायदा होगा, इसलिए उसके बाद नवोदय के बारे में बात करो। गवर्नमेंट क्या है, 5th से लेकर 12th तक पूरा पढ़ाई है, जो बच्चा नवोदय में जाता कभी वो बात सक्सेसफुल नहीं है, लाइफ सक्सेसफुल है, ये हर डिस्ट्रिक्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल होता है ना, उसका नाम है सैनिक स्कूल, कितने लोगों ने सैनिक स्कूल का नाम सुना, सैनिक स्कूल किधर है, महाराष्ट्र का सैनिक स्कूल किधर है, जोर से बोलो कहां है, सातारे में, सातारे के सारे बच्चे मैथ्स पढ़ने के लिए मेरे पास आते विश्वास, और कम से कम 33 साल से। अभी महाराष्ट्र ने सैनिक स्कूल के अलावा और एक सैनिक स्कूल चालू किया जिसका नाम चंद्रापुर में, कहां पे, चंद्रापुर, और लड़कियों को भी एंट्री है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया लड़कियों को भी हिंदी में एंट्री है, उससे सेफ जगह नहीं है पढ़ने का, और अंदर एनडीए के अंदर भी आपको मालूम है, एनडीए के अंदर भी मस्जिद है, कितने लोगों को मालूम है, नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर भी मस्जिद है, मैं और मेरी बीवी जाता हूँ ना पढ़ने के लिए, वहां पे पीओपी होता है, हर 6 महीने में बच्चा ऑफिसर होता है ना तो जाता हूँ, मेरी बीवी माशाल्लाह पढ़ते रहती है, तो बात कहता अंदर बच्चे नमाज पढ़ते हैं, कहाँ के,
कजाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के, बांग्लादेश के और तुम्हारे अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान का जो अभी है ना तालिबान का जो लीडर है वो एनडीए पद पढ़ के गया, लेकिन तेरे को बात मान रहा हूँ एनडीए में से उसको तालीम लेके गया जो वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये वहां के सब बच्चे नमाज को रहते, मौसम साहब मेरे को बोलते सर आप बच्चे को लेके आते लेकिन हमारा एक भी बच्चा नहीं है, मुस्लिम बच्चे हैं कि उसमें पढ़ने के लिए पास ही नहीं होते। एक लड़का बहुत दिनों के बाद पास हुआ, अभी वो रॉ के लिए काम करता है ईशान से, वो आपके रिश्तेदार है हमारे एडवोकेट पठान साहब है जुन्नर के, उनकी जो बहू है उसका भाई है वो मेरा स्टूडेंट है, तो वो भी एक लड़का है, ये तीन बच्चे है, अम्मी अब दोनों का इंतजार हुआ उसके बाद वो ज्वाइन किए पठान से एडवोकेट पठान से जो है ना बादशाह दालों के उनकी बहू का भाई है। तो मैं सैनिक स्कूल की बात कर रहा था, हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता है, तो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल का एंट्रेंस जो होता है 6th में 9th में और 11th में। अगर आपको नहीं समझ में आ रही मेरी बात तो पूछो, मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा क्या? मैं जो बोल रहा हूँ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप वक्त है, आपको ये बात को आगे चलाना है, सब सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इसलिए इनको भी मैंने स्टेज से नीचे उतारा क्योंकि वो समझना है और बात को चलाना है। मैं अकोले में जाता हूँ सर, मैं ब्राह्मणवाड़ा में जाता हूँ, मैं बोरता में आता हूँ, मैं आपके ओतुर में आता हूँ, आप समझ रहे, लेकिन बच्चा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, एक गाँव है राजूर और राजूर के भी आगे एक गाँव है जहाँ हमारे अल्लाह वालों की दरगाह है, वहाँ पे वहां जाके खानका है, किसी ने देखा नहीं है नदी के तल में, तो वो लोग वहां तक पहुंच गए, तो वो उस चीज को जिंदा करने के लिए गए, जैसे हमारे दरोड़ी शरीफ में जाना होता है, उन्होंने लोगों को ह्यूमन सैक्रीफाइस बंद करने के लिए अपने बेटे को बहादुर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह को वहां भेजा, कहां पे भेजा? शिवापुर में भेजा, उनके भी 5 बच्चे थे, उनका आने का मकसद भी एजुकेशन था, ये आप लोगों को मालूम नहीं है, कभी उनका मोदी लिपि में आप तांबड़ा पत्र पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, लेकिन हम भूल गए उसको। नवोदय के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम की मैं बात करता हूँ ना, वो RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हिंदुस्तान में 5 है, कहाँ का है? पहली जगह मैं बताता अजमेर शरीफ, कहाँ पे? जोर से बोलो अजमेर में हूँ, अजमेर में है, मैं वहां गया हूँ, अपने बच्चे नहीं है, अभी आप बोलो अजमेर में है RMS, अपने बच्चे नहीं है। दूसरा बेलगाम, पूरा इलाका हाथगाड़ी से लेके फ्रूट बेचने वाले केले बेचने वाले सब मुसलमान, लेकिन बैंगलोर का भी वही हाल, धोल राजस्थान में भी वही हाल है, और एक जगह है शिमला में, चलो ठीक है थोड़ा दूर है, 4 ऐसी जगह पे RMS किसी को नहीं मालूम। उससे अच्छा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6th में 9th में और 11th में एडमिशन होता, पूरा गवर्नमेंट खर्चा लेते, उसका भी मकसद बच्चों को एनडीए में ले जाना है। उससे अच्छा स्कूल जिसका नाम है RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, किसको मालूम है? किधर? पूरे इंडिया में एक है, किधर? ये देहरादून में, किधर? कम टाइम लेकर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं समझ में आए तो बोलो, मुझे बहुत सारी चीज बात करना, इसलिए मैंने किसी का इंट्रोडक्शन भी नहीं किया। ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज किधर है? देहरादून का पूरा बेल्ट क्या है, कल मेरे को एक बच्चा मिल गया भूषण पाटिल बड़ौदा का, और उसने 25,000 फीट से 150 जंप किया, वो इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, और 25,000 से वो 20,000 में एक मिनट में आता है, 20,000 फुट, और 5,000 में पैराशूट खोलता है, 130 बार उसने जंप किया, उससे अच्छा कोई बच्चा नहीं है इंडिया में, वो मेरा स्टूडेंट है, वो मेरे को मिलने को आया और मुझे कहा कि मैं कहां जंप करता हूँ सर, मान गया जब वो जंप करता है सहारनपुर में जंप करता है, किधर है सहारनपुर? यूपी वो सहारनपुर से देहरादून कितना है? 100 किलोमीटर। लेकिन आप उसको वो इलाके के किसी को भी पूछो RMC नहीं मानते, एक नहीं बोलना चाहिए लेकिन दिल में बात है, हमारा जब एक प्रिंसिपल था हमारे, बहुत 30 साल उन्होंने जॉब किए, मैं बोला सर आप किधर थे? मैं देहरादून में था। सर आपको RMC मालूम है? बोला नहीं मालूम। मैं बोला मतलब कितना अवेयरनेस की जरूरत है, 30 साल प्रिंसिपल था और वहां वहां रहे हो 15 साल रहे हो और उनको RMC नहीं मालूम, कितना अवेयरनेस की जरूरत है। तो ये RMC 6वीं का बच्चा डायरेक्टली 8वीं में लेते, पूरे स्टेट से एक बच्चा लेते, पूरे स्टेट से एक बच्चा। महाराष्ट्र में कितना अवेयरनेस है? 500 लोगों ने फॉर्म भरा। सर कितने लोगों ने फॉर्म भर ले? 500 लोगों ने फॉर्म भर ले, आले किती? 250 लोग, आणि त्यातून मुलं किती आले? 125 मुलं झोपतच होते, फक्त बाकी 125 मुलांना माहिती एक्झाम मध्ये काय जायचं। हे दुनियाचा सबसे टफेस्ट एक्झाम है, आपको मैं आपके प्लॅटफॉर्म से बोल रहा हूँ, दुनिया में इससे टफ एक्झाम कोई नहीं है,
चाइना बोलता है कि एग्जाम में तो सबसे टफ है, और एग्जाम का नाम है गाओगाओ, लिखो ये लो, अब लिखो, ये सब अपने बच्चों को बताओ, जी ए ओ के ए ओ, गाओगाओ के एग्जाम में, जो चाइना कहती है इससे टफ एग्जाम नहीं है। ये जो हेलीकॉप्टर डैड और टाइगर मॉम, ये जो कंसेप्ट आया ना, ये चाइना से आया। जब चाइना में चेबी में एग्जाम होता ना, तो वो पूरा पूरा चाइना बंद रहता, प्रोविंस बाय प्रोविंस, जैसा बन गया महाराष्ट्र बंद, क्योंकि वो क्या क्यों बंद है तुम्हारा चाइना वो एरिया, क्योंकि आज गाओगाओ का एग्जाम, उसके क्वेश्चन पेपर है ना अच्छे अच्छे टीचर नहीं सॉल्व कर सकते। मैं दुबई गया था, अटलांटिस होटल, सेवन स्टार होटल है, और मैं एकेडमिक कंसल्टेंट हूँ, स्कूल के लिए प्रिंसिपल चॉइस करता हूँ, तो मेरे को किसी गुजरात के ट्रस्ट ने बुलाया था, मैं इंटरनेशनल स्कूल चल रहा था, तो दुबई में बहुत सारे लोग आए थे, तो मेरी मेरा तो क्या पुणे में मेरा फ्लाइट मेरे 2 किलोमीटर पे है, पुणे से दुबई डायरेक्ट फ्लाइट है, भाई विशालवाड़ी मेरे तो नजदीक है, तो वहां से गलती से वो आरएमसी का पेपर मेरे पॉकेट में रह गया। तो मैंने क्या किया, जब ये जब आप रिज्यूम बनाते थे तो बहुत भारी रिज्यूम बनाते, जब मैंने सबको बोला कि एक पेपर लो और पेपर में लिखो आपके बारे में माई सेल्फ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, 10 साल एक्सपीरियंस हमारे टीचर है सर, ओनोमन टोपिया का स्पेलिंग नहीं आया हमारे सर को, मालूम है मैं इंग्लिश बात कर रहा हूँ, तुमको पता नहीं। तो वो लोगों को भी मैं जब बात किया ना, तो आरएमसी का 8 का पेपर दिया, लेकिन उन लोगों को वो सॉल्व करने नहीं आया, तो इतना टफ एग्जाम होता है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो वो एग्जाम की तैयारी हमने कब से चालू करना चाहिए, और अगर वो बच्चा हमारा वो एग्जाम तैयारी करता है, पास भी नहीं हुआ ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ आज नए दिन कलेक्टर बनेगा, या वो एमपीएससी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है ना, जो अभी सरपंच साहब ने बताया कि बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है ज्ञान नहीं खेलता, हमारे मेरा क्लास सुबह 6 बजे चालू होता है, सुबह 6 से 8 बजे तक हम उसको जबरदस्त स्पोर्ट्स खेले रहे हैं, कंपल्सरी स्पोर्ट्स खेलना जरूरी है, लेकिन 8 बजे के बाद उसको शाम के 8 बजे तक हम पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत देते उसको 80-20 का ब्रेक रहता, जैसे हम नमाज में ब्रेक देते, खाने पीने का ब्रेक रहता। अभी हमको 11th 12th में इतना उसको लोड क्यों देना पड़ता, फर्स्ट टू 10th में, अभी जैसे आप मेरे को देखेंगे या मेरा डेली देखेंगे, मुझे साल में मेरे को 4 चपाती लगती है खाने के लिए, आप मुझे 2 ही चपाती दे रहे, तो क्या होगा, 2 चपाती का बैकलॉग हो गया, ऐसा साल में 2 चपाती बैकलॉग, 10 साल में कितना बैकलॉग हो गया, 20 चपाती। बच्चा जब 11वीं में आता ना, उसको बोलते 20 चपाती एक साथ खाओ, तो उल्टी करता, इसलिए 16 लाख बच्चे JEE के एग्जाम में बैठते, पास कितने बच्चे होते, सिर्फ 2 लाख, बाकी 14 लाख कचरा माल है। नीट के एग्जाम हमारी बच्चियां देती है, उसकी तैयारी करती है वो 9th 10th के बाद 11th के बाद, लेकिन 1 to 8 की उसकी पढ़ाई नहीं है, इसलिए वो 600 के तक जा नहीं सकते। इंडिया में जो लड़का पूरा 720 में से 720 लाया, उस बच्चे का नाम क्या है, पहली बार पिछले साल एक सुना बच्चा था हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में नीट में 720 में से 720 बार का नाम मुसलमान बच्चा था, कौन था उसका नाम क्या था, हाँ शोएब आफ्ताब, शोएब के बारे में तुमने क्या है गूगल किया, कभी पूछा गया तुमने कि वो लड़का ऐसा उसके अंदर उसने ऐसा क्या खाया, उसने ऐसा क्या दिया कि उसको फुल मार्क्स मिला, जो जो 70 साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ ऐसा उसने क्या करके दिया, कभी तो आपने कभी गौर किया, कभी उसके लेक्चर को देखे, कभी उसको यूट्यूब पे देखो, उसने पैंडेमिक का पूरा फायदा हुआ, वो लड़के का फोटो 5 क्लासेस वाले में थे, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक लड़का 5 क्लास में कैसे जा सकता, एक लड़का 5 क्लासेस में जा सकता क्या, फिर क्या किया उसने, फिर 5 क्लासेस का कैसे क्या हुआ, उसने एग्जाम दिया, कौन सा एग्जाम दिया, मन किया उसने ये सारे एग्जाम दिया, जिसको मैं अमर अकबर एमपी बोलता मेरे लैंग्वेज में, KBPUI का एग्जाम दिया उसने, उसने NTSC का एग्जाम दिया, उसने ओलंपियड का एग्जाम दिया। आप लोग जब एक एग्जाम है 10वीं में सर, जिसका नाम है NTSC, क्या एग्जाम का नाम, NTSC नेशनल, लिख लो टैलेंट सर्च एग्जाम 10वीं में होता, अभी भी उसका फॉर्म नहीं निकला पैंडेमिक की वजह से, कितने घर में जितने अपने बच्चे हैं सब बच्चे का फॉर्म भर NTSC का, और फिर पढ़ाई करने को चालू करो, विशाल पब्लिकेशन का 500 रुपए का बुक मिलता है उसको पढ़ो, 7800 क्वेश्चन रिस्क करते वो पढ़ लेगा पास हो जाएगा। अगर आपका बच्चा NTSC का स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर करता है, दुनिया का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता। मैं जोर से इसलिए चिल्ला रहा क्योंकि उज़ुर्बाश्रम का हदीस है कि किसी बात को समझाना तो जोर से बोलो। मैंने क्या बोला, दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, कि अगर आपने आपके बच्चों को NTSC का एग्जाम 10th में क्लियर किया, तो आपका बच्चा दुनिया का, इंडिया की बात कर रहा, दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता, कोई भी। जब बुक्स के बारे में आपने बोले NTSC का बुक, वो बुक का नाम है दिशा पब्लिकेशन का बुक, वो बहुत मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छा बुक दिशा का, 500 रुपए में ऑनलाइन मिलेगा। तो वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम का स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जाम है, उसको पढ़ने के लिए आपको 1 to 10 पढ़ना पड़ेगा, अगर उसने आपने पढ़ा दिया तो पक्का वो नीट भी क्लियर करेगा, JEE भी क्लियर करेगा, इंडिया भी क्लियर करेगा, हर एक एग्जाम क्लियर करेगा।
ये सारे एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड बोर्ड आगे लू ना, ये सारे एग्जाम के मैंने बात किया। एक एग्जाम है एसबीआई, कितने लोग एसबीआई मान रहे, एसबीआई कितने लोगों को मान रहे, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं मालूम तो नहीं मालूम बोलो। एसबीआई का मतलब है सर्विस प्रिपेरेटरी इंस्टीट्यूट, ये औरंगाबाद में है, इधर है औरंगाबाद में, और ये औरंगाबाद वालों को नहीं मालूम कि औरंगाबाद में, और ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बच्चे हमारे शरद पवार साहब की डिफेंस मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि महाराष्ट्र में जाए, एनडीए लाने वाला आदमी उनका मेंटर था, कौन था उनका मेंटर, शरद पवार को शरद पवार किसने बनाया, यशवंत राव चव्हाण ने इंडिया पुणे में लाया, ये तो ये नेहरू के जमाने में बैंगलोर में जा रहा था, यशवंत राव चव्हाण ने सही स्कूल सातारा में लाया, वो चाहते थे कि महाराष्ट्र के बच्चे वो इंडिया में जाए ऑफिसर बने, तो एसबीआई का मकसद भी वही है कि महाराष्ट्र डोमिसाइल, महाराष्ट्र डोमिसाइल समझते डोमिसाइल कर दिए वो बच्चे इंडिया में जाए, दसवीं के बाद 25,000 बच्चे एग्जाम में बैठते, कितने बार कितने लोग एसबीआई के बारे में मालूम, हमारी कम्युनिटी को मालूम नहीं, वो जो ईशान सिंह में बात कर रहा था वो भी एसबीआई में था, किसने ऑफिसर था हमारे पठान साहब के जो रिश्तेदार है वहां से मेरे पास क्लास को आएगी, वहां के बच्चे पढ़ने के मेरे पास आते हैं, 25,000 बच्चे हमारे एग्जाम में बैठे, ये भी दसवीं के बाद एग्जाम होता है, 320 बच्चों को रिटर्न एग्जाम के बाद देते दसवीं के टॉपिक में, कितने बच्चों को 320 में से अलहमदुल्ला 23 बच्चे मेरे क्लास से, कितने बच्चे मेरे क्लास से थे 23, 320 में से 60 बच्चे इंटरव्यू के बाद देते हैं और 60 में से अलहमदुल्ला 10 बच्चे मेरे क्लास के, और उन्होंने कुछ बच्चों को वेटिंग लिस्ट में लिखा, 8 बच्चे वेटिंग लिस्ट में मेरे क्लास के थे, इसमें पूरे महाराष्ट्र में मेरा नाम, लोग बेवकूफ नहीं है, फेसबुक में और जस्ट डांस और सुलेखा से लीड नहीं आता, आप कुछ काम करेंगे ना तो लोग को दिख के आदत आ रही है, आप समझ में मेरी बात को, तो ये सबसे वो सब एसपीआई में हमारा बच्चा नहीं, क्यों हमने एग्जाम ही नहीं दिखा, दरवाजा खटखटाएंगे तो खोलेगा ना, हमारे लोगों को एसपीआई मालूम ही नहीं है, सारे एजुकेशन पर फ्री है, ये सारे का मकसद, ये सारे का मकसद कहां से चालू किया, वापिस से बोलो, अपना सबक दो रहा हूं टीचर में, सबसे पहले कहा नाम लिया था मैंने, नवोदय, नवोदय के बारे में क्या बोला, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, नवोदय के बाद क्या बोला मैंने, नवोदय के बाद जोर से बोलो, सिटी स्कूल, सिटी स्कूल के बारे में क्या बोला, हर एक स्टेट में कितना है, महाराष्ट्र में कितना है, 2 जगह, कर्नाटक में बीजापुर में भी 2 जगह, बीजापुर में जो जगह है ना पूरा मुसलमान का इलाका है, एक भी बच्चा उधर खतना नहीं है, सारे सिटी स्कूल का बेस्ट सिटी स्कूल बीजापुर में, लेकिन अपने अपने लोगों को मालूम ही नहीं कैसे कुछ रहता था। अच्छा उसके बाद कौन सा बोला मैं, पूरा हिंदुस्तान में कितने हैं, 5, उसका नाम क्या बोला मैंने आपको, आरएमएस, कम से कम लिख के लेके जाओ ये आरएमएस। उसके बाद सबसे अच्छा कौन सा बोला मैंने आपको, जो देहरादून में आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंटर मिलिट्री कॉलेज, हिंदुस्तान के 7 ब्रिगेडियर उधर से निकले, मैंने गाओको एग्जाम के बारे में बताया चाइना, वो भी लिख के लेके जाओ, सबसे टफ एग्जाम है, माँ बाप छुट्टी लेके बैठते हैं, आप अपने गिरेबान में हाथ हाथ डाल के बोलो, जितने मैंने देखा ना जो हमारे कम्युनिटी के नहीं है, जब बच्चे का 10th का एग्जाम रहता ना, काजी सर कोई पूछ सकते, माँ बाप दोनों सर्विस पे जाते ना, तो एक माँ ने तो बाप छुट्टी लेके बच्चे के साथ बैठते, हमारे कम्युनिटी के कितने लोग बैठते बच्चे के साथ, चलो बच्चा 10वीं में नहीं बैठते, टीचर को छोड़ लेना पड़ता बच्चों को, ये माँ बाप को तो मालूम भी नहीं रहता मेरा बच्चा कौन सा क्लास में, पेरेंट टीचर मीटिंग में तो कभी आते थे, उसको चेंज करना पड़ेगा, ये आप लोग कर सकते हैं और उसको मेरा पूरा साथ है आप लोगों, इसलिए मैं बुलाने पर और राजी साहब के बुलाने पर मेरा प्यार हुआ। इसके बाद ये जो मैंने स्प्रे बताया ना, ये सब नर्सल है, फाइनल है, फाइनल इन सब का मकसद है, बचपन से लेके बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है और उसको जाना एनडीए, एनडीए किधर है, एनडीए किधर है, नेशनल डिफेंस अकेडमी किधर है, पुणे में किधर है, खड़ग पास करना 400 एकड़ में, अभी तो जगह नहीं करके उन्होंने केरला में नेवी का अलग यूनिट चालू किया 8,000 एकड़ में, मेरा गाँव है, खुद का बैंक वाटर है, कभी आप अगर जाएंगे ना तो आप वापस नहीं आएंगे, इतना भारी है देखने में वाला उसका, उतना भारी ऑर्गेनाइजेशन है, 8,000 एकड़ में बना, तो वहां जाने के लिए बच्चे को 11th और 12th का पढ़ना पड़ता है साइंस, और 12th के बाद एग्जाम देना पड़ता है, जैसे आप जेडब्ल्यू साल में 4 बार होता है, नीट साल में 2 बार होता है, अभी होगा वैसे इंडिया में साल में 2 बार होता है, 16 साल से लेकर 19 साल तक बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, 10th के बाद पढ़ाई करना पड़ता, अभी कल पेपर है, 1 बजे में जो लेट हुआ ना मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये इंडिया का पेपर है तो उसके जरा एडजस्टमेंट था, उसके से भी नहीं आता, तो वो एनडीए का जो एग्जाम है 14 तारीख का कल है एग्जाम, हर 6 महीने होता है,
पूरे हिंदुस्तान से 8 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, कितने लोग बैठे? 8 लाख, जोर से बोलो 8 लाख। 8 लाख में से सिर्फ 8,000 बच्चों को रिटर्न एग्जाम में लेके, रिटर्न एग्जाम में पहला पेपर मैथ्स का होता है 300 मार्क का, दूसरा पेपर गैट का होता है 600 मार्क का। अभी 300 मार्क का मैथ्स है ना, जो बुक मैंने सर आपको बताया एनटीएससी का, 11 ही 12 ही छोड़ दो। देखो मैं क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैं टीचर हूँ, 33 साल से पढ़ा रहा हूँ, 650 बच्चे मेरे अफसर है, मैं आपको बता रहा हूँ 11 ही 12 छोड़ दो, जिसने 10th का वो एनटीएससी का स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर किया ना, वो एनटीए का एग्जाम भी क्लियर किया। क्यों बोलो? क्योंकि 10th का जो स्टेज का 1 और स्टेज 2 है ना, वो हॉप्स है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, तो वो लेवल का हमारा बच्चा रहता नहीं है। तो अगर 10th की पढ़ाई उसकी वो लेवल की हो गई ना, 11th 12th का नहीं भी पढ़ा ना, तो भी एनटीए का एग्जाम क्लियर किया। क्योंकि एनटीए का एग्जाम क्लियर करने के लिए 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन क्या तो क्लियर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग पूरा करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आज तक कोई बच्चे ने 60 क्वेश्चन नहीं किया। 800 बच्चे को सेलेक्ट करते हैं, 8,000 बच्चों को, 5 दिन का इंटरव्यू होता है एसएसबी, उसके बाद 800 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं, 400 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, वो 400 में से अलहमदुल्ला हर साल 8 से 9 बच्चे मेरे क्लास के। लेकिन उसके अंदर मैं इसलिए आपके पास आया, हमारी कम्युनिटी बच्चे नहीं रहते, आपके गोडेगांव का बच्चा है मेरे पास पढ़ने के लिए, पार्टनर का बच्चा है, औती में देख रहा था, औती का नाम, औती का नाम का बच्चा है मेरे पास पढ़ता, या मटाले करके एक लड़का है जुन्नर का, आना का, वो भी मेरे पास एमपीएससी यूपीएससी ऑफिसर है, सुचेत मटाले मातेले, तो वो लड़का भी मेरे पास पढ़ा है। वैसे बहुत सारे चीज है, लेकिन अपने बच्चे नहीं है, कम्युनिटी के बच्चे बिल्कुल मिलते नहीं है। तो ये मैथ्स का 300 मार्क्स से, गैट का 600 मार्क्स से, जो सर ने बताया ना, सर ने इंग्लिश बताया, वो साइंस 200 मार्क्स का है, डॉक्टर भी बन सकता हूँ, नीट देके भी आप आर्मी में जा सकते हैं, कैसे बताऊं, कौन बताएगा? डॉक्टर मुखर्जी साहब बैठे हैं, नीट देके भी आप डॉक्टर बनके भी आर्मी में जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का नाम है AFMC, क्या नाम है? देखो AFMC, 120 बच्चे जा सकते हैं, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ेंगे तो 55,000 तो फीस गवर्नमेंट का सीट मिला दो, ये तो AFMC में अगर आपका बच्चा रहना तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देगी पढ़ने, 4 साल एमपीसी हो गया आगे पढ़ना, तो आपको स्टार भी लगता है, आगे बढ़ो, आप जब तक चाहे पढ़ो गवर्नमेंट के बेसिस पर, AFMC भी नीट के बेसिस पे जाता है, याद रखो AFMC को नीट का एग्जाम दिया तो डॉक्टर बन सकता है। और एक एग्जाम में हमारे सब बच्चे को नीट में 600 के ऊपर नहीं मिलेगा, 300 के नीचे वाले बच्चे भी ना, उनका क्या? तो नर्स बन सकते, नर्स, उसका नाम है MNS, बोलो जोर से, MNS बताओ क्या? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बराबर ना? अरे MNS बताओ क्या? हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी मैं बहुत फैन है, राष्ट्र करेगा मैं फैन है, क्योंकि उसका बोलना है कि महाराष्ट्र के लोग एग्जाम नहीं देते, बाहर के स्टेट के लोग आते एग्जाम देने, और बराबर है, स्टेशन मास्टर को एक एग्जाम है जो 12 के बाद है, SSC HCL, मैं बोर्ड को दिखाता, उससे आदमी स्टेशन मास्टर बनता, 46,000 रुपीज पगड़ है, महाराष्ट्र का बच्चा देता ही नहीं एग्जाम, तो महाराष्ट्र का रेलवे का जो कोटा बाकी के लोग लेके जाते हैं। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, सच्ची बोलो, कितने लोगों को पहली बार मान पड़ा, ₹1,00,000 सर क्या बोला मैंने 120 में से 40 साल मैंने बोला इतने बच्चे तुम कैसे आए तो उन्होंने ये कहा सात लड़कियां उसमें कि हम लोग को अगर BDS का सीट नहीं मिला ना हम लेते नहीं केरला में क्या है आप केरला में कभी जाएंगे ना तो उनके घर के पर लिखा रहेगा BSc MBBS अभी अभी तो जितने अभी ऐसे निकाला ना केरला में पहले से ऐसा था BSc करते थे फिर दिया जाते थे MBBS करते तो केरला में ड्रॉप लेने का बहुत पुराना तरीका है हमारे यहाँ बच्चा ड्रॉप लेके घर में बैठा ना माता लोग उसके कहा फेल करेगा ड्रॉप लेने का सिस्टम ही नहीं हमारा उसको फिर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज कचरे के जैसा कितना कितना एडमिशन भी मिल जाता है क्या माधोपुर का क्या इंजीनियरिंग करते जॉब नहीं साल भर ड्रॉप लेके उन्होंने उसके लिए पढ़ाया और पढ़ने के बाद फिर MC का सीट पा तो फ्री में पढ़ रहे माँ बाप के पैसे बचाए ये मालूम होना चाहिए आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही क्या कितने लोगों को समझ में आ रही जरा हाथों पर करो मैं बात कर रहा हूँ आप नहीं समझे तो मस्त है तो ये जनरल नॉलेज का एग्जाम रहता है इसके बारे में आप मुझे पूछने जाते हो तो बाद में बात कर सकते हैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता नेक्स्ट
नेक्स्ट दसवां स्लाइड है, ये हम लोग बच्चों को बेसिक सिखाते हैं। देखो अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आया, वो क्या बोलता है, 9th, 10th, 11th को, मैंने आपको पहले बताया, मदारिस वाले भी थे, मौलाना भी थे। अभी इंडिया में ना दो चीजें पैंडेमिक के बाद, होम स्कूलिंग, नो स्कूलिंग। ऑफिस वालों क्या बोला मैंने, होम स्कूलिंग और नो स्कूलिंग। होम स्कूलिंग मतलब घर में बैठ के बच्चों को पढ़ा, नो स्कूलिंग मतलब बच्चों को स्कूल में मत पढ़ा। 40% लोग पहले इंडिया में करते थे, हम नहीं जाते थे, पैंडेमिक के बाद अभी वो ज्यादा चले, उसके बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट, ये क्या हमारा रेसिडेंशियल क्लासेस है और हम जो कुछ करते हैं उसमें उसके बारे में बताया। अच्छा, एक बच्चा अगर एनडीए पास नहीं हुआ तो समझो, एक बच्चा 3 साल पढ़ लिया, 12वीं के बाद 19 साल का एग्जाम दिया, एनडीए पास ही नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में रहता था, 19 साल के बाद, 3 साल की बात है, फर्स्ट ईयर से उसमें सीडीएस की पढ़ाई करता हूँ। क्या की पढ़ाई करता हूँ, सीडीएस। तो सीडीएस का पढ़ाई ग्रेजुएशन के पहले ईयर में दे सकता, थर्ड ईयर में। आगे से कुछ बटन है, कितने एग्जाम दे सकते हैं, 14 एग्जाम। मैं नाम बोलता, सीडीएस, ओटीए, आईएमए, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, डिपेंडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी, ऐसा मैं 14 नामों को गिना सकता। आप कितने लोग फ्लाइट में गए, फ्लाइट में जनाजा पर फ्लाइट में गए। अच्छा, जब भी आप फ्लाइट में गए सिक्योरिटी चेक करने को देखेगा, सिक्योरिटी चेक वाले, और सब आपको एक खानदान के दिखते, सब हरियाणी में बात करते हैं, देखा ना, जो आपको चेक करते हैं उनके लड़कों बोलो या लेडीज बोलो, एक दूसरे से बात करते, सब हरियाणा में बात करते, वो सारे के सारे लोग है ना, एक एग्जाम देते जिसका नाम सीआईएसएफ, वो ग्रेजुएशन के आखिरी साल पे रहता। मैंने बोला यार तुमको इंग्लिश बात करने नहीं आती, तुम एग्जाम देते क्लियर कर दे, तो वो क्या बोले साहब, वो इंग्लिश में भी पेपर रहता और हिंदी में भी पेपर रहता, हिंदी का जो पेपर है कल होने वाला है, वो हिंदी में भी रहता और इंग्लिश में भी रहता, और हिंदी में कोचिंग लेते साल भर में, और सीआईएसएफ का एग्जाम क्रैक करते तो बोले वो लड़की मिलती उधर लेडी थी, बोले अगर हमने अगर एग्जाम क्रैक नहीं किया ना तो हमको अच्छा दूल्हा नहीं मिलता। आप कश्मीर के पंडियों को आने किधर भी जाओ, एक ही इलाके के लोग आपको सीआईएसएफ मिले, इसलिए मैं राज ठाकरे का फैन था। अरे बात समझ में, तो हम एग्जाम ही नहीं दे रहे हो, हमको मालूम ही नहीं है, और कुछ मालूम नहीं, 12वीं का कोई बच्चा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी बच्चा ले सकते थे, और बहुत आसान एग्जाम रहता, मैथ्स आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, एप्टीट्यूड आना चाहिए और साइकोलॉजी, लेकिन हम अटेंड भी नहीं करते, 24 घंटे एसी में रहते, क्या करते, कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छा सैलरी है, क्लास वन सैलरी है। तो ये सारे एग्जाम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, कब तक एग्जाम दे सकता बच्चा, एग्जाम कितना मिनट है, कितना को कब तक एग्जाम दे सकता, 15 साल की उम्र से लेके 42 साल तक एग्जाम दे सकता एक आदमी गवर्नमेंट का। कितने लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी को सुना, अरे महेंद्र सिंह धोनी कितने लोग पहचान दे, हाथ ऊपर करो पूरा, वो टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर है, कितने लोगों को मालूम है आपको, वो टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर, उसको लकब दिया गया, सचिन तेंदुलकर को भी दिया, लेकिन अगर आप 43 साल के नीचे तो आप भी बन सकते, ये बात कितने लोगों को मालूम पड़ा, पहली बार मालूम पड़ा, सीधा हाथ ऊपर करो। एक बच्चे ने मेरा टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म भरा ना तो मेरा आने का मेरा एकदम मेरा टाइम पर वसूल हो, बात समझ में है, इसलिए जान माल वक्त का नहीं, हमारे सलाइट का भी हिसाब होगा। हमको जो नॉलेज है सामान्य, अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाए, आप सलाइट में क्या कहा साहब, जो तुमको आता दूसरों तक पहुंचा, तो हमको जो आता अगर हम दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे ना तो फायदा नहीं उसका। हमको एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों लोग रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं कि उनसे लोगों को फायदा हुआ है, हमारे वतन को फायदा होगा, वैसे हमारे जात से हमारे वतन के लोगों को फायदा ना, जब वो फायदा होगा तो ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट आएगा। अजमेर में जाने वाले लोग कौन है, मुस्लिम दादा जाते कि नॉन मुस्लिम दादा जाते, क्यों, वो अजमेर में जो हजरत है वो कहां से आया, उनको क्यों उतना रेस्पेक्ट है, बांग्लादेश ढाका से लेकर अजमेर तक चले तो कितने लोग ईमान लाते, वो रेस्पेक्ट कब आएगा, जब आपके अंदर से कोई फैस होते लोग, और आज सबसे ज्यादा काम करने वाले ये लोग, ये जो है ना ट्रस्ट है हुकूमत की खिदमत, जो रिफाई काम करते हैं, और मैंने देखा लोगों को काम करते हैं, और कोरिडोर में मेरे यहाँ इनके पास आया काम करते, हम अपने आप को जब घपाएंगे ना ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट आएगा, खत्म हो जाएगा, इससे एक भी आवाज ना लेना, कितना भी बिजी रहेगा तो अच्छा लग रहा, और मेरे लाइन से जो भी चाहिए इच्छा लगना शुरू कर। नेक्स्ट टॉपिक, ये 30 बेसिक टॉपिक्स बच्चों को, ये ना कभी भी बेसिक पहले पढ़ो, इसलिए पहले से बात की, देखो सारे बच्चे जो मेरे पास पास हुए ना इनके लिस्ट है, मैं चाहता हूँ उसमें अपने भी बच्चे, देखो ये सारे, ये जो है ना मैंने नाटा लिखा, देखो स्टार्टिंग में नाटा, हम आर्किटेक्चर भी बना सकते हैं, आर्किटेक्चर एग्जाम का भी हम पढ़ाते हैं, हर बच्चा, यहाँ पे एक लड़का है तुम्हारे, हमारे बच्चे पटेल के गाँव का बच्चा है,
वो बच्चा नाटक के लिए इंशाल्लाह हो जाएगा। आई एम भी गए, आई एम क्या है, आई एम कौन बताएगा? नेहरू के जमाने में आई एम था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कब का था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में? ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं लोगों को, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि 12वीं के बाद भी जा सकते हैं। लड़कियां लोगों को याद रखो, इंदौर में मैंने अभी एक आदमी को भेजा इंदौर में, मेरा बच्चा तो सेलेक्ट हुआ ना, मालेगांव का बच्चा रुद्रेश, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सेलेक्ट हुआ। 12वीं के बाद भी उसका एंट्रेंस रहता है। एंट्रेंस की किताब तो बिकती है ना, सबसे फेमस, वो भी कोई लिखने वाला कम्युनिटी का, लेकिन हमारे कम्युनिटी को मालूम है कि 12th के बाद भी 100 सीट है। बीजेपी गवर्नमेंट ने और 5 जगह चालू किया, जम्मू में चालू किया, रोहतक में चालू किया, बोधगया में चालू किया, रांची में चालू किया, इंदौर में पहले से था। जो बच्चा इंदौर से पढ़ता, 1 डिग्री 5 साल में आपको 4 डिग्री मिलता, बेल्जियम का, यूएस का, यूके का और आई एम का, इतना भारी हो। लेकिन बच्चों को मालूम है आई एम के बारे में? एस एस आर कितने को मालूम है? एस एस आर सनी सिंगनापुर है ना, सनी सिंगनापुर, हमारे जो पतंग के भाई है, हिंदू माइनॉरिटी में सबसे बड़ा गाँव है, और मालूम जाते तो वहां का एक शुगर फैक्ट्री का एक मामूली आदमी था, गाड़ी कर गए, वो है रहने वाले औरों को बात किया, वो लड़का पास हुआ, तो उन्होंने वो उधर मेरा फ्लेक्स लगा, वो बच्चा एनडीए के लिए मेरे पास क्लास को आया था, लेकिन पास हो गया एस एस आर, तो वहां के लोग मेरे पास एडमिशन को आया, क्योंकि सारे लोग जाते ना वो देवस्थान है, ऐसा इलाका है जहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ दरवाजा नहीं रहता, सब दरवाजा रहता, वहां से लोग मेरे पास आ रहे, तुमसे बोर्ड को बोला, मैंने कुछ बोर्ड बोला था, शरीर सिखना बोल रहा, तो वो लड़का एस एस आर पास हुआ, आया था एनडीए के लिए, हमने क्या करा उसका एस एस आर का फॉर्म भरा, एस एस आर थोड़ा नीचे, एनडीए नहीं, थोड़ा नीचे, जैसा भी हमारे यहाँ इंस्पेक्टर बनते हैं ना, पीएसआई बनते हैं, एक बार पीएसआई बनने के बाद अपन क्या करते, एग्जाम देके एसआई बनते, फिर आगे जाते ना वैसे वैसे सर, आई एन एस शिवाजी में उसके पहले फिजिकल देखते, बाद में एग्जाम लेना, फिर रिजल्ट शो होता, 46,000 रुपये पगार होता उसको स्टार्टिंग, तो एस एस आर का एग्जाम भी हमारे लोगों ने मारा, एयरमैन एक्स, एयरमैन वाय, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, मैं बात करूंगा ना तो पूरी रात बैठना पड़ेगा, नीट का भी एग्जाम में बता, वो तीन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कितने लोग मान रहे हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उसमें बचे तोलानी कितने लोग मान रहे हैं, तोलानी किधर है, तोलानी, अरे तोलानी किधर है, इंदौरी में, इंदौरी मावड़ में, हम मुंबई जाएंगे ना चाकन से, अरे जाने का बच्चे को एयरपोर्ट छोड़ना है कोलकाता जारी हो, उसको अवार्ड मिल जाता है, इंग्लिश पढ़ाती है, तो वो मेरे यहाँ टीचर ट्रेनिंग होता ना वैसा उसका मेंटर होता, तस्करी अंसारी नाम है उसका, और इंग्लिश और फॉरेन स्टडीज पढ़ाते, तो सर से बात करो, सर के पास बैठता है, इंग्लिश में बहुत बड़ा है, लिटरेट है, तो वो मैं ये बता रहा था, तोलानी हमारे इंदौरी है, कितने लोगों ने इंदौरी का गांव सुना ना, तलेगांव के पास, जो बड़ा इंजीनियरिंग बोलते ना हमारे लोग शिफ्ट में जाते काम को, हमारे यहाँ नहीं जाते, लेकिन हमारे केरला में जाते, सब दुबई में शिफ्ट में काम करते, पगार बहुत अच्छा मिलता, तो शिफ्ट में इंजीनियर बनने का ना तो मैरीटाइम का एग्जाम होता है, एग्जाम का नाम है IQCT, अभी क्या है गवर्नमेंट का जो है ना, गवर्नमेंट का कम भाव है और प्राइवेट का भाव ज्यादा है, और सबसे भाव ज्यादा वाला तोलानी है, इस साल मेरे 13 बच्चे गए, कितने बच्चे गए, उसको भी अलग एंट्रेंस एग्जाम, इसके बारे में लोगों को नहीं मालूम, अवेयरनेस होना चाहिए, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, 100% जॉब है, तुम्हारे पास पैसा भी 1 साल पढ़ो, पैसा है 2 साल पढ़ो, और पैसे 3 साल पढ़ो, 100% जॉब है तोलानी में, लेकिन इसको भी नहीं लेते, उसका एंट्रेंस होता है, हम लोग मार्केटिंग को तो आपको गेट के अंदर नहीं लिए, तो मैंने जीत पकड़ा, मेरे बच्चे जाएंगे अंदर, मेरे एक आदमी को उधर एक लॉयर है करमाड़ा का, वहाँ उधर जॉब करता है, कम्युनिटी के उसको मिलने आता है, छोड़े नहीं अंदर, वो स्ट्रिक्ट है, तो मैं बोला नहीं, मैं मेरे बच्चों को उधर जाऊँगा और उनके POP में मैं जाऊँगा, 13 बच्चे इधर, इतना भारी इंस्टीट्यूट है, आपको मालूम नहीं, नीचे एनडीए में हो गया, उसके बाद में क्या कोस्टगार्ड के बारे में किसको मालूम है, पाथरडी का बच्चा है, 30 गाँव का बच्चा, गरुड़ कमांडो में एक बच्चा पास हुआ, यश तारा करके उधर मंडल कार्यालय उसका उधर है, उसकी मम्मी तहसीलदार है, वो लड़का उधर एनडीए पास हुआ, तो पाथरडी में एक बच्चा है मेरा, वो इसमें शहीद हुआ था कारगिल में गर्जे करके, तो बाकी ना बिल्कुल वहाँ सत्कार करते हैं, तो उनको सबको मालूम है, मैं करूँ, मैं बाकी काम से भी जाता रहा, तो बाकी बहुत ज्यादा मेरे को वहाँ रेस्पेक्ट है। नेक्स्ट टाइम ये देखो, ये पढ़ने का तरीका है, रिकैप करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिप्लेनिश, रिवाइव और रिइंफोर्स करना पड़ेगा, ये आपको स्लाइड में बाद में दे दूंगा, गाजी सर के बाद दे दूंगा, ले लेंगे। 7 और 19 से कुरान के अंदर है, सूरह फातिहा में कितने आए थे, 7, हम तवाफ करते तो कितने मरतबा करते हैं, 7 मरतबा, उसके बाद मेरा हज हाउस में 2 घंटे का बयान है, जैसे सर ने बोला यूट्यूब पे देख लो,
आपको मिलेगा कि कुरान के अंदर मैथ्स है, इसको समझना आपको टाइम लगेगा, उसके लिए हर चीज मेरे साथ में है। मैं एक चीज की बात करता जिसको मैं सट्टा बोलूंगा, सट्टा ये कैसा है इंडिया का एग्जाम, 120 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करना है। 120 क्वेश्चन कितने मिनट में करना है? 150। जेडब्ल्यू में भी आपको एक क्वेश्चन को 2 मिनट मिलता है, इंडिया में एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट मिलता है और नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो वो आप उसको एक मिनट में नहीं कर सकते। तो अल्लाह की तरफ से मेरे को नियामत है मैथमेटिक्स में कि मैं ऐसी चीजें बताता हूँ जो मार्केट में नहीं है, इससे बच्चा मेरे पास। तो मैथ्स के बारे में इंशाल्लाह कभी आप फुर्सत में मेरे पास आएंगे तो मैं बताऊंगा क्या करना। तो सट्टे के मेरे नाम है जुगलबंदी, जिंदैक्स, अमर अकबर एंथनी, मारा मारी, चांदा चौकड़ी, जुगाड़, चंगू मंगू, ये सब मेरी ट्रिक्स है, पेटेंटेड है। किसी ने कॉपी किया ना तो मैं केस कर दूंगा। ये क्या ये जो हम लोग जो करते हैं वो सब लिख दिया। नेक्स्ट, ये ऑफिस में सक्सेस स्टोरी है, वो लेफ्ट बैक जा बैक बैक जा, ये बच्चा देखो वो मानव हेल्थ स्कूल में आया, वो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन है, उसके बारे में बात किया, इसके बारे में बात किया। नेक्स्ट, रिटर्न एग्जाम का सिलेक्शन है। नेक्स्ट, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप रिफाई काम कर रहे हैं, आपको पता है मेरे मोबाइल में कितने नंबर है? सर मेरे मोबाइल में कितने नंबर है? भाई साहब कितने नंबर है, क्या गेस कर सकते? कौन बताएगा मेरे मोबाइल में कितने नंबर है? 10,000 देखो हमको पैगाम पहुंचाना है, पैगाम पहुंचाने के अलग अलग तरीके। मैं ये समझता हूँ मैथ्स पढ़ाना भी दीन है, अल्लाह ने मेरे को मैथ्स का हुनर दिया तो ये मेरा मैथ्स को पढ़ाना ये मैं दीन का काम समझता। आप समझ रहे हो सिर्फ मस्जिद में बयान करना दीन का काम नहीं, वो भी दीन का काम है, लेकिन मैथ्स पढ़ाना भी दीन का काम। हमारे पास अल्लाह ने जो सलाहियत दी उस सलाहियत को लोगों तक उसका फेस पहुंचे, जितना ज्यादा पहुंचेगा उतना उसका फायदा होगा, वो पैगाम पहुंचेगा। इसलिए आप फेसबुक पे होना चाहिए, आप ट्विटर पे होना चाहिए, आप पिंटरेस्ट, कितने लोगों ने पिंटरेस्ट देखा जरा तो मतलब पिंटरेस्ट वाले। पिंटरेस्ट वो चीज है जहां पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में पढ़ाने का तरीका है। हमारे बच्चे ना पिक्चर का ट्रेलर भी 3 मिनट में देखते हैं, 3 मिनट से ज्यादा ट्रेलर रहेगा ना तो उसको स्किप कर दो। मैं तो यूट्यूब में ना 1.5 के स्पीड से देखते हैं। लिंक्डइन आपका होना जरूरी है, लिंक्डइन का आपका प्रोफाइल होना चाहिए, आप क्या करते हैं यूट्यूब पे आप होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, आप टेलीग्राम आपका चैनल है, टेलीग्राम ऐसा चैनल है मेरा, आप उसको ज्वाइन करो, सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। सर आपने पूछा ना दिशा पब्लिकेशन का बुक 500 रुपए का, आपको 15 रुपए मिल जाएंगे टेलीग्राम, सब बुक मिल जाता है। तो ये सारे चीज हमारे बच्चों को बताओ, 5G आएगा तो बड़े बड़े इदारे बंद हो जाएंगे, कंटेंट जो आप चला सकते हमारे ना बदतरीन माल में तो तामीर में लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा मत लगाओ, लोगों में पैसा लगाओ, अच्छे लोग लाओ, टीचर ट्रेनिंग लाओ। नेक्स्ट, ये सारे के सारे में आप लोग होना चाहिए बच्चों, टाइम पास करने के लिए नहीं, सीखने के लिए। सोशल मीडिया टाइम पास के लिए नहीं, सोशल मीडिया सीखने के लिए। और कुछ पूछना आप लोगों को मेरे से, क्योंकि मैं चाहता हूँ सवाल जवाब करें, कि मेरे को समझना कि आपने क्या समझा और क्या नहीं समझा, उसको कोई माइक है तो दे दो, माइक है किसी पास? आपकी PhD में आपको गवर्नमेंट पढ़ने के वजह से, मैं केरला से हूँ, कैलिकेट में अभी मेरा लेक्चर था, IIM कैलिकेट है, कोई बोलते उसको कोई मतलब वो वहां से उसमें पूंजी मिलते थे, ऐसा इलाका था, पिछड़ा इलाका था पोर्चुगीज के जमाने का। आज IIM कैलिकेट बॉम्बे के बाद सेकंड नंबर आता उसका, 46,000 रुपीज हर महीना आपको मिलता है खाने पीने लेने के साथ, उधर लॉज मिलता है, और आप 5 साल में PhD बनते हैं, कितने साल में? 5 साल। तो ये PhD के भी कोर्सेज है, अभी उसमें बात करना नहीं आएगा, दो चीज बताता हूँ मैं आखिरी। आपको किसी भी कोर्स का जानकारी चाहिए, किसी भी करियर के बारे में मालूम चाहिए, आप विश्रामपाड़ी में हमारा ब्रांच है, आप आ जाओ, हम आपको बैठ के करियर काउंसलिंग फ्री करेंगे। और कोई भी इदारा कंज्यूमर वाले दिन के तौर से कोई भी इदारा, कोई जरूरी नहीं कि अपना कम्युनिटी का, हम फ्री हमारे पैसे पे आपकी चाय भी नहीं देंगे, हम पूरा दिन उनको ये समझाएंगे, उसमें हमारा कोई मार्केटिंग नहीं, हमारा मकसद है कि वो बात को पहुंचा, ज्यादा गलत है। अगर मेरे से कोई बात गलत हो गई तो उसके दोस्त डॉक्टर मोहसिन श्रीरामपुर के, वो बोलते हैं नहीं बोलो, लेकिन फिर बोलता हूँ मैं, ये बोलता हूँ आपके स्टेज में अलहमदुल्ला मेरे से अच्छा मैथ्स टीचर आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन मेरे से अच्छा करियर काउंसलर आपको नहीं मिलेगा, अपनी जिंदगी का भाई मेरे को, मैं उसके ऊपर मैं प्राउड हूँ अलहमदुल्ला, उसके बहुत बहुत ऐसी चीजें ना जो मार्केट में किसी को नहीं मालूम,
तो मुझे मालूम। तो ये मैं आपको बोला था। दूसरी बात, इन्होंने सलाइन की बात किया, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आईपीएल, आईपीएल का मैच है, आईपीएल का मैच आपको देखना है, तो जिसको अगर उसका शौक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो अपना जान लगाएगा, सोचो ना, बालेवाड़ी जाना पड़ेगा, यहाँ से माल लगाएगा, पैसा लेके जाना पड़ेगा, वक्त लगाएगा, टाइम लगेगा, बालेवाड़ी जाना होगा, चार बजे का शो, जैसे आज मैं लेट आया, देखो तो रहेंगे नहीं स्टेडियम के अंदर, इधर का मेहरबानी लोग लिए, देखो बारिश खड़ा रहना पड़ेगा, दो घंटे पहले जाना पड़ेगा, जान लगाया, माल लगाया, वक्त लगाया, सोच लगाना पड़ेगा, सलाइन लगानी पड़ेगी, दिल लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रॉब्लम है ना, जो इन्होंने बोला, जज्बात लगाने पड़े, हम हमारी जज्बात को गलत जगह लगाते, मीनार पे, खाने पे, शादी में, वो सब चीजें हमको अपने जज्बात को कुर्बान करना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए बने, मैंने क्या बताया उनको, टॉयलेट में भी नहीं छोड़ा उन्होंने, आप समझ रहे हो, अपने जज्बात को कुर्बान किया, शादी नहीं किया, शादी करो सुन रहे थे, एक छोटे से इमाम का बेटा है, एक मस्जिद के इमाम है, उनका बेटा है, पेपर बेच के बड़ा हुआ, कहां पहुंच गए, उन्होंने अपना सब कुछ खपा दिया, तब जाके लोगों ने फिर उनको रिस्पेक्ट किया। तो जज्बात भी लगाने पड़ेंगे तो तुम्हारे सलाइक को अल्लाह ताला क्या करेंगे, आगे बढ़े। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैंने जो नेमत उनको दिया, अगर तुमने उस नेमत का शुक्रिया अदा किया ना, तो मैं उस नेमत पे इजाफा करूंगा। अभी जो भी सर ने एक्सपेक्टेशन किए बच्चों के बारे में, सर ये पहली कुश्ती आई है कि नहीं, अभी तो आखाड़ा आपने बताया है, इंशाल्लाह ताला हमारा मंशा ये है कि हम एक एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम इनके नाम से हम एक एजुकेशन एकेडमी अभी कायम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आज ही वो हम कायम कर रहे हैं, और ये सब बच्चे लगातार उससे जुड़े रहेंगे, और ये साल भर इनका तालीमी प्रोग्राम शुरू रहेगा। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करते, करना भी चाहिए, बराबर है कि नहीं, पण आता शिक्षणाचा उरूस करूया, है का नाही, बरेच उरूस झाले, आता शिक्षणाचा उरूस करूया, अभी थोडीशी खिचडी वो भी बनाई है ना, थोड़ा सा दालचा वो भी कम पका रही है, है कि नहीं, उसको वो भी टेस्ट लाएंगे। चलो इंशाल्लाह ताला अगली साल आप यहाँ पर आए, हमारे बच्चों को बहुत सारी हौसला अफजाई मिली, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इंशाल्लाह ताला आपके जरिए आप हमारे मेंटर रहेंगे जुन्नर तालुका के। हालांकि ये सबसे पहले तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से
पालिका मैडम जी बोले सही पहले दिन गाली है, मगर जो हम पिछड़े रहे एक सोचने की बात है, आज भी हम लोग पीछे है एजुकेशन, इतना साल गुजरने के बाद भी हम लोग क्यों पीछे हैं ये इसका रिसर्च भी करना जरूरी है। और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर वकील इसके आगे भी जाना जरूरी है, उसके साथ ही आज बताइए या हमारा क्या सोचना है कि 10वीं 11वीं हो गई इसके बाद क्या करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर सर ज़्यादा क्या क्यों है पता नहीं। अच्छा टीचर अभी अगले साहब ने बोला कि अच्छा टीचर, अच्छा टीचर इंजीनियर में से भी बन सकता है डॉक्टर में से भी बन सकता है। हमारा चांगले टीचर जे डॉक्टर चांगले सर्जन सुद्धा होते आणि चांगले टीचर सुद्धा होते, की त्यांची लेक्चर आपण सुद्धा लक्षात तशीच आहेत, त्यामुळे आम्ही विद्यार्थी म्हणून घडलो ते टीचर सबसे ऊपर तो ये चीज सबसे पहले अपने काम में रखिए, ये जो काम आप बढ़ा दिए ये आपकी तारीफ है। दूसरी बात मैं तारीफ करूँगा हारून अता साहब की, इतने उम्र जाने के बावजूद भी आप पूरे डेडिकेशन से मंदिर का काम कर रहे हैं, ये सराहने जैसी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी ये रही बच्चों की बात, तो बच्चों के लिए मैं तीन चीजें बोलूंगा, पहली है अल्लाह को हमेशा हर पल में याद करो, शुरुआत जो भी करोगे अल्लाह को याद करके रखो, एजुकेशन को कुछ भी 5 टाइम की नमाज कायम करो। दूसरी बात पढ़ो का रिस्पेक्ट करो, माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, टीचर्स का रिस्पेक्ट करो, ये चीजें तुम्हारे काम आएंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं है मार्क बहुत अच्छे है कुछ काम नहीं है, यानी आपसे कि मैं देखता हूँ बच्चे बिल्कुल रिस्पेक्ट वो क्यों पता नहीं है, हम लोग टीचर करके कम पढ़े कि माँ बाप करके कम पढ़े। अभी पेशेंट के राउंड लेने के लिए हम लोग जाते हैं तो पहले के लोग उठ के खड़े होते थे, इवन दे आर एल्डर देन की देयर इज रिस्पेक्ट। आजकल के बच्चे माँ बाप की बात करते सलाम तो नहीं उठते भी नहीं, तो दिस शुड बी स्टॉप्ड। ये कल्चर इम्पैक्ट करना जरूरी है बच्चों में, बड़ी उड़ान रहती है मगर उसकी आंख कितनी तेज रहती है, जमीन तक की चीज भी देखता है झड़प लेकर पकड़ लेता है, आपकी उड़ान कौवे जैसी नहीं होना चाहिए, जैसे होना चाहिए ईगल जैसी, और पूरा डेडिकेशन देना चाहिए। और चौथी बात के यू शुड बी स्टूडेंट ऑलवेज, यू शुड बी ऑलवेज इन द लर्निंग फेज। यानी मुझे सब आ गया, मैं डॉक्टर बन गया सर्जन बन गया मुझे कुछ नहीं आ सब आ गया नॉलेज नहीं, आखिर तक तुम लोग स्टूडेंट रहते हैं और यू हैव टू लर्न। अगर तुम गायब स्टूडेंट रहेंगे और पढ़ते रहेंगे सक्सेस आपका है। और ये बच्चे भी अच्छा कर रहे, अभी मैं परसों कल बोला मैं ये बच्चा आया मेरे पास उसको बोला कि वह सर नीट में कॉलेज में कौन सा प्रेफरेंस दूँ, मार्क कितने मिले टोटल 63 क्वेश्चन तो ना लगता है मुझे अच्छा लगा। अरे उसने पढ़ाई SSC कॉलेज हुआ था सर मंडली सर SSC कॉलेज से भी करती पठानोर तुम्हारा बड़ा अच्छा ना आपको गाइड किया है, वो गाइडेंस आप देखो और फॉलो करो, आप अच्छे प्रोफेशन में जाओगे, ये भारतवर्ष की सेवा करोगे और अच्छे नागरिक होगे, ऐसी कामना।